सब जन अपने हाथों को उठाते हुए तारीफ करो परमेश्वर की, महिमा करो उसके नाम की। आज खुदावंद आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आएगा प्रभु यीशु के नाम से। आज आप जो भी परमेश्वर से मांगोगे वो आपको मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुम यीशु के नाम से पिता से मांगोगे तुम्हें सब कुछ मिलेगा। अपने हाथों को उठाते हुए जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। आज आपका दिन है छुटकारे का, आज आपका दिन है चंगियाई का, आपका दिन है बरकत को पाने का, आज आपका दिन है छुटकारा लेने का, चंगियाई लेने का। आज खुदावद आपको चंगा करेगा प्रभु यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठाते हुए तारीफ करो परमेश्वर की, जोर से हालेलुया बोलते हुए तारीफ करो सबजन। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु। खुदावंद तू महान परमेश्वर है, तू सामर्थी परमेश्वर है खुदावंद, तू बड़े बड़े काम करने वाला है खुदावंद परमेश्वर, तू चिन्ह और चमत्कार करने वाला है परमेश्वर, तू मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर है खुदावंद, तू सूखी हड्डियों में जान डालने वाला परमेश्वर है, तू अंधों को आंखें देने वाला परमेश्वर है और तू लंगड़ों को चलाने वाला परमेश्वर है खुदावंद। आज मैं विश्वास करता हूँ खुदावंद कि इस प्रार्थना के द्वारा अंधों की आंखें खुलेंगी, लंगड़े चलेंगे खुदावंद। खुदावंद तू हमारा बल है, तू हमारी शक्ति है खुदावंद, तू हमारे पापों को क्षमा करने वाला खुदावंद है परमेश्वर। खुदावंद तू गिरे हुओं को उठाने वाला परमेश्वर है खुदावंद। खुदावंद तेरा वचन कहता है धर्मी जन अगर 7 बार भी गिरे तब भी वो उठेगा, दौड़ेगा और भागेगा प्रभु यीशु के नाम से। आज खुदावंद जो लोग गिर चुके हैं तू उन्हें उठाएगा खुदावंद, तू उन्हें उठाकर खड़ा करेगा खुदावंद। अपने हाथों को सभी जन उठा लो, आज परमेश्वर आपको उठा के खड़ा करेगा, क्योंकि उसका वचन कहता है धर्मी अगर 7 बार भी गिरे तब भी वो उठेगा और भागेगा। आप धर्मी हो, मैं धर्मी हूँ, हम अपने कामों से धर्मी नहीं हैं, लेकिन हम यीशु पे विश्वास करते हैं, वो हमारा परमेश्वर है, क्योंकि उसने अपना लहू बहाया हमारे पापों के लिए, इसीलिए हम धर्मी हैं। उसकी दया के कारण, उसके अनुग्रह के कारण हम धर्मी हैं। आज मैं आपकी ज़िंदगी में बोलता हूँ, आज आपका आशीष का दिन है, आपकी बरकत का दिन है, आपके छुटकारे का दिन है, आपके ऊंचा होने का दिन है और आपकी शर्मिंदगी का आज आखिरी दिन है, आपकी बीमारी का आखिरी दिन है। इन द नेम ऑफ जीसस मैं तेरी तारीफ करता हूँ परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, तेरी हजूरी के लिए, तेरी पवित्र हजूरी के लिए। तेरी हजूरी हमें बदलेगी, हमारे घराने को बदलेगी, हमारे माहौल को बदलेगी। तेरी हजूरी में आनंद की भरपूरी है खुदावंद। अब मैं यीशु के नाम से तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, तेरी शांति तेरा आनंद इनकी जिंदगियों में आए खुदावंद, और हर डिप्रेशन का आत्मा इनको छोड़कर इनकी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाए खुदावंद। मैं आपकी जिंदगी में कमांड करता हूँ, हर डिप्रेशन का आत्मा आपकी जिंदगी को छोड़े और चला जाए खुदावंद यीशु के नाम से। ब्लड प्रेशर का आत्मा मैं तुझे कमांड करता हूँ, मैं तुझे हुक्म करता हूँ खुदावंद यीशु के नाम से, इन्हें छोड़ और चला जा, बोलो जाओ, बोलो जाओ। डांटो डिप्रेशन की आत्मा को, डांटो पाप की आत्मा को। यीशु मसीह ने कहा मैं शांति का राजकुमार हूँ, मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा। आज यीशु की शांति आपकी जिंदगियों में आ रही है, डिप्रेशन का आत्मा आपकी जिंदगी को छोड़कर जा चुका है। आप परमेश्वर की शांति को, उसके आनंद को चखोगे आज, महसूस करोगे, और ये शांति आपकी जिंदगी में सदा के लिए ठहरेगी प्रभु यीशु के नाम से। सभी जन तारीफ करते हुए परमेश्वर की, जोर से तालियों के साथ ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, आज की सुबह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। बोलो आज मेरी आशीष का दिन है, बोलो आज मेरी आशीष का दिन है। अंगीकार करो,
अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। बोलो आज मेरी आशीष का दिन है, मेरे बच्चों के लिए आशीष का दिन है। अंगीकार करो सज्जन परमेश्वर के वचनों से, मांगो मांगो परमेश्वर से उसकी महिमा के लिए जो भी मांगना है। पवित्र आत्मा को मांगो, सेवकाई को मांगो, मांगो परमेश्वर से कि मैं तेरा प्रचार करना चाहता हूँ, मैं तेरे कामों को करना चाहता हूँ परमेश्वर, मैं तेरे सुसमाचार को फैलाना चाहता हूँ परमेश्वर, मैं बड़े लेवल पे तेरे काम करना चाहता हूँ खुदावंद। खुदावंद मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं तेरे कामों को बड़े लेवल पर करना चाहता हूँ खुदावंद, मैं तेरे बारे में लोगों को बताना चाहता हूँ खुदावंद। परमेश्वर मेरी हेल्प कर, मेरी सहायता कर कि मैं तेरे सुसमाचार को आगे लेके जा सकूं। मांगो परमेश्वर से, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा को मांगो कि परमेश्वर मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर। तेरे वचन में लिखा है कि जो मुझसे पवित्र आत्मा को मांगेगा मैं उन्हें दूंगा। मांगो पवित्र आत्मा को सज्जन हाथ उठाते हुए। खुदावन तेरे वचन में लिखा है मैं तुझे अनाथ कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अपना पवित्र आत्मा दूंगा। परमेश्वर मैं बिना पवित्र आत्मा के अनाथ हूँ, मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर। अपने वायदे को पूरा कर परमेश्वर मेरी जिंदगी में, मुझे पवित्र आत्मा से भर। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मुझे पवित्र आत्मा से भर। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि खुदावंद का आत्मा आपकी जिंदगियों में आए, खुदावंद का आत्मा आपकी जिंदगियों में आए और जुम्बश करे प्रभु यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में, आपकी सेवकाई में, आपकी स्टडी में, आपकी बच्चों की लाइफ में आए खुदावंद यीशु के सामर्थी नाम से और जुम्बश करे। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में आए और जुम्बश करे खुदावंद यीशु के नाम से। तालियों के साथ स्वागत करो पवित्र आत्मा का अपनी जिंदगी में, वेलकम करो पवित्र आत्मा का। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है मेरे घराने में, पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है मेरी बॉडी में, मेरे शरीर में, मेरे फाइनेंस में, मेरी जिंदगी में, मेरे बच्चों में। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में आपके सारे बंद रास्ते खुलने वाले हैं, आपके फौरन के सारे रास्ते खुलने वाले हैं प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में उतरे और आपके सभी काम सफल हों। पवित्र आत्मा आपके जीवन में आ रहा है, आपके जीवन को बदलने के लिए आ रहा है, वो आपके जीवन में आ रहा है आपको चंगा करने के लिए, आपके बंद रास्तों को खोलने के लिए। वो आपके जीवन में आ रहा है आपकी जिंदगियों को बदलने के लिए, आपकी शर्मिंदगी को उठाने के लिए और आपको ऊंचा करने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से। आज कमजोर उसका बल पाएंगे, आज बीमार चंगे होंगे प्रभु यीशु के नाम से। अगर आज आप सीरियस हो इस प्रार्थना में तो आप गवाही को पाओगे प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। आज आपके बंधन टूटेंगे प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया हालेलुया। सभी बीमार अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें बीमारी के खिलाफ, और डांटो बीमारियों को, बताओ बीमारियों को कि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरे शरीर में पवित्र आत्मा रहता है। बोलो ए बीमारी तेरा कोई अधिकार नहीं मेरे शरीर में, मेरी जिंदगी में, मेरे शरीर में पवित्र आत्मा रहता है और मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। बोलो ए बीमारी मेरे शरीर को छोड़कर चली जा प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से। बोलो ए बीमारी तेरा कोई अधिकार नहीं है मेरे शरीर पर, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मुझे छोड़ और चली जा, चली जा। गुस्से के साथ अपनी बीमारियों को डांटो, कैंसर को डांटो, इन्फेक्शन को डांटो, रसौलियों को डांटो, पत्थरियों को डांटो, कमांड करो। बोलो आउट आउट आउट। आज आपकी बीमारियां आपको छोड़ के जा रही हैं प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में, और आप बहुत ही जल्द गवाही के साथ वापस आएंगे प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में।
मैं प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से आपकी जिंदगियों से तलाक को कैंसिल करता हूँ। तलाक आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु आपकी जिंदगी का हिस्सा है। शैतान आपको अलग करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर ने आपको जोड़ा है। लेकिन शैतान आपको तोड़ना चाहता है। हर शैतान की योजना जो आपको तोड़ना चाहती है, यीशु के सामर्थी नाम से आपकी जिंदगियों से कैंसल हो और आपकी जिंदगी में हमेशा परमेश्वर की मर्जी पूरी होती रहे। आपके जीवन में परमेश्वर की शांति और आनंद आए और उसकी मिठास आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मैं आज सुबह आपको बोलता हूँ, खुदावंद आपको गुड न्यूज़ के साथ ब्लेस करने वाला है। आपके कान गुड न्यूज़ को सुनेंगे, गुड न्यूज़ को सुनेंगे, गुड न्यूज़ को सुनेंगे आपके कान प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। अगर आपका आमीन बड़ा है तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जोर से तारीफ करो परमेश्वर की तालियों के साथ, ऊंची आवाज़ में हालेलुया बोलते हुए बोलो हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस। मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ इन चंगियाइयों के लिए, पवित्र आत्मा से अपने लोगों को भरने के लिए। आपका धन्यवाद प्रभु यीशु। इस प्रार्थना के लिए, तेरी हजूरी के लिए मैं आपकी तारीफ करता हूँ पिता परमेश्वर। और मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में पूरे विश्वास के साथ मांगता हूँ। आमीन, आमीन।